बात करते हैं सर, मोहन यादव होगा क्या कहेंगे? ये तो मुमकिन है और ये भारतीय जनता पार्टी है जो पार्टी को दिल्ली में जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, एक अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसको भी मुख्यमंत्री बनने का अगर कोई कारनामा कर सकता तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। एक छोटे से कार्यकर्ता को महाकाल की नदी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि कोई चौंकाने वाला नहीं है, मीडिया को चौंकाने वाला लग सकता है क्योंकि मीडिया ने अलग अलग नामों पर कयास लगाकर रखे थे। वास्तव में ये बड़ा स्वाभाविक नाम है। तो ये थे इलाके से पार्टी जब घोषित करेगी तो उसकी पुष्टि होगी। हर कार्यकर्ता संतुष्ट है। कई बड़े जो नाम थे जो पीछे रह गए, क्या लगता है आगे का जो फैसला है? आगे पीछे कोई नहीं रहे। पार्टी का जो फैसला है आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष फैसला लिया गया? क्या पार्टी ने जो भाजपा, इसका नाम भाजपा है, भाजपा में कौन क्या कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है? दो बार के विधायक भी थे, उनसे जाके पूछो यार। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ने का काम करेगा। सीनियर नेता मध्य प्रदेश के उसके बाद भी पार्टी ने कुमार यादव जी को आज धोखा दिया है, क्या लगता है मोदी जी किस एंगल से मध्य प्रदेश सरकार देख रहे? भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता भी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता है। जहाँ तक आपने कहा कि हमारे जो वरिष्ठ वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए हमारी परंपरा भी है, तो हमारे वरिष्ठ सदैव हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए और उनका अनुभव को लाभ लेते हुए हमारे नए मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की जवान उन्होंने संभाली है और मध्य प्रदेश की जनता जो अपेक्षा है उनको खड़ा करने का पूरा। डिप्टी सीएम का चेहरा जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। स्पीकर कौन होंगे ये मुझे पता है। नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए, और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने हाथ मत लगाओ यार, उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्धित होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धित है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। बीडी शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास का एक नया आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास के नए नए कायम प्रारंभ हुए थे, उन कामों के बलबूते पर मध्यप्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार भी मानता हूँ जिनने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूँ कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है, यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के लिए हृदय से आभार भी मानता हूँ और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं, हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय बीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।